सुपरफास्ट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए। जयपुर में बीजेपी का मशाल जुलूस, और मशाल जुलूस में बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये कि कपूर से मशाल जला रहे थे, एक महिला के कपड़ों ने आग पकड़ ली, झुलसी महिला को लाया गया अस्पताल। तो जयपुर में बीजेपी का मशाल जुलूस बीजेपी की ओर से निकाला जा रहा था, और यहाँ बड़ी लापरवाही इस रूप में सामने आई है कि कपूर से मशाल जलाई जा रही थी और एक महिला के कपड़ों ने आग पकड़ ली। महिला झुलसी है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है मशाल जुलूस में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कपूर से जला रहे थे मशाल और एक महिला के कपड़ों ने आग पकड़ ली। महिला झुलसी और महिला को अस्पताल लाया गया है। महिला की स्थिति क्या बनी हुई है, जानकारी देंगे सहयोगी विष्णु। विष्णु बिल्कुल, आज बीजेपी की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया था। बनीपार के स्थित देवी मार्ग से जुलूस रवाना हुआ था और रेलवे स्टेशन तक निकाले जाना था। इस बीच मशाल जो है वो कपूर से जलाई जा रही थी, तो अचानक लापरवाही के कारण जो आग है वो कपड़ों तक पहुंच गई। ऐसे में कई जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके कपड़े जल गए उस आग से, और जो आसपास कार्यकर्ता खड़े थे उन्होंने तत्काल उस आग को बुझा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी हादसा होते होते बचा। और वहां पर जो भाजपा की नेता है रत्ना कुमारी, वो आग की लपट के चपेट में आ गई थी, और उसके साथ कुछ महिलाएं भी हादसे में बच गई। और उसके बाद एक जो कार्यकर्ता है जिस ज्यादा गंभीर रूप से जुड़ी थी उसको एसएमएस में उपचार के लिए ले जाया गया, हालांकि उसकी जो हालत है वो भी खतरे से बाहर है। लेकिन मौके पर उस समय जो बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं वो मौजूद थे, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वो मौजूद थे। इसके अलावा अच्छा विष्णु, तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्या ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जो महिला झुलसी है उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं क्या? आप बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब हादसा पेश आया था, अचानक लपट वहां पर लगी थी और उसके बाद ये झुलसी थी। वहाँ आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों से जो कार्यकर्ताओं ने कैसे उसको बुझाया। उसके अलावा यहाँ जो कार्यकर्ता को, जो महिला कार्यकर्ता है उसको बुझाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है, यानी ये मौके की तस्वीरें है। अच्छा। जो वहाँ पर हादसा पेश आया उस मौके की तस्वीर है, बनीपार की तस्वीरें है, और उसके बाद जो कार्यकर्ता है महिला कार्यकर्ता उसको अस्पताल ले जाने की तस्वीरें हैं, जहाँ आग लपट लगी वो तस्वीरें हैं। इसके अलावा महिला को जो कार्यकर्ता है वो बचा रहे हैं, चद्दर या शॉल ओढ़ा रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और उसके बाद अस्पताल में अभी फिलहाल उनकी कोई ज्यादा गंभीर हालत नहीं है। महिला कार्यकर्ता हादसा बड़ा हादसा होते यूँ कह सकते हैं कि बड़ा हादसा होते होते टल गया जी। इसके पीछे की विष्णु वजह क्या माने जाए, कपूर से मशाल जलाई जा रही थी ये वजह है, या भीड़ ज्यादा थी ये वजह है, धक्का मुक्की हो रही थी ये वजह है, लापरवाही क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, लापरवाही समस्या ये है कि वहाँ मौके पर जब मौजूद थे तो कपूर से ये मशाल जलाई जा रही थी, जबकि अमूमन कोई कपड़ा या कुछ ऐसी चीज है वो रखा जाता है जिससे जाती। अब अचानक जो मशाल जो थी वो मशाल की क्वालिटी भी थोड़ा सा इस तरह से थी जिससे जो कपूर है वो सड़क के बाहर आ गया और जो यहाँ कार्यकर्ताओं तक वो आग के लपटे पहुंच गई। और इसी को लेकर ये अभी पता लगाया जा रहा है कि अचानक ये हादसा कैसा हुआ, किस तरह से कार्यकर्ताओं की लापरवाही है वो अभी सामने आने वाली है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा हादसा यहाँ होते होते टल गया जी। अच्छा, महिला की हालत कैसी बनी हुई है, डॉक्टर सभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि महिला झुलसी है तो ज्यादा गंभीर हालत है या फिर अभी सामान्य बताई जा रही है महिला की जो स्थिति है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो महिला है उनकी हालत सामान्य है, ज्यादा गंभीर रूप से वो नहीं झुलसी, लेकिन हादसा हुआ है तो झुलसने के बाद उनको एक उपचार के लिए, सामान्य उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, और वो अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, मतलब इस तरह की कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन जो उनके कुछ जलने के निशान हुए और उसके बाद अब सामान्य स्थिति में उपचार के बाद संभवतः छुट्टी दे दी जाएगी जी। अच्छा, इस मशाल जुलूस में विष्णु कौन कौन शामिल था, या पार्टी कार्यकर्ता ही मशाल जुलूस निकाल रहे थे उसी दौरान लापरवाही सामने आई है? बिल्कुल, बीजेपी की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान के तहत ये मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था, और उस मशाल जुलूस के बाद सरकार का जो फेल्योर कार्ड है सतर्क वो वितरित किए जाने थे, और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वो मौजूद थे, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी वो मौजूद थे, इसके अलावा शहर के कई मोर्चों के अध्यक्ष थे, और इसके अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
और कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उस जुलूस रवाना होता या और आगे बढ़ता ज्यादा, उससे पहले ही हादसा पेश आ गया, तो ऐसे में तुरंत कार्रवाई करके आग पर काबू बुझाकर और कार्यकर्ताओं को सकुशल बचा लिया गया, वरना बड़ा हादसा। कोई बयान अभी तक किसी नेता का सामने आया इस घटना को लेकर कि सुरक्षा मानकों को ध्यान क्यों नहीं रखा गया यहाँ पर, क्योंकि ये तो गनीमत रही कि महिला को ज्यादा यहाँ पर झुलसी नहीं है, महिला की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, इसको लेकर कोई अभी बयान सामने आया किसी नेता का पार्टी के? बिल्कुल अभी पार्टी के किसी नेताओं का बयान सामने नहीं आया, लेकिन सब एक तरह से भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि अगर महिला के कपड़ों को आग ज्यादा पकड़ लेती और तत्काल कर्मी लोग बुझाते तो कहीं ना कहीं ज्यादा गंभीर रूप से झुलसने की हालत हो सकती थी, तो ऐसे में जान पे भी बना आ सकती थी, लेकिन फिलहाल ये जो हादसा वो टल गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों को हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। पहली जो तस्वीर है ये उस वक्त की तस्वीर है जब महिला के कपड़ों ने आग पकड़ ली, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की तस्वीर है जब महिला को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौके की आपके सामने। देखिए लापरवाही ये रही कि कपूर से दरअसल मशाल जलाई जा रही थी, अमूमन अब देखते हैं कि कपड़ा लपेटा जाता है उसके बाद जो है आग लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कपूर से मशाल जलाई जा रही थी और इस दौरान हुआ ये कि महिला के कपड़ों ने आग पकड़ ली और महिला झुलस गई, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि महिला की जो स्थिति है खतरे से बाहर बनी हुई है।